सात, सात का वही है, अलहदगी का टाइम है, एवरीथिंग इज टर्निंग अगेंस्ट यू एंड विल मूव अवे फ्रॉम यू। बुरा टाइम नहीं है, बस ये टाइम फेज है, साल का आखिर है और ये आखिरी फेरा है सात का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर है साल का। तो इसके अंदर जो है हर चीज़ आपसे दूर और आप उन चीज़ों से दूर या कोई दूर कर देगा आपको, और ये रोक नहीं सकते, ये रोक नहीं सकते। अगर डिवोर्स का मसला है आपके तो डिवोर्स हो जाएगी, और अगर क्या कहते हैं शादी है तो टूटने का डर है। और मैं एक और बात बता दूं इसी के अंदर, ये कि जिनके रिश्ते तय हो गए हैं वो भी टूटने का डर हो जाते हैं, जिनके रिश्ते तय हुए हैं। अब लाजमी नहीं है कि एक हैप्पीली मैरिड कपल है उसका रिश्ता टूट जाए, नहीं, हो सकता है कहीं और से टूट फूट हो, माँ बाप की तरफ से जो है कोई ऐसी चीज़ हो कि माँ बाप को छोड़ना पड़े, हो सकता है बच्चे घर छोड़ के, या कोई भी इस तरह के समथिंग विल गो अवे फ्रॉम यू और टेयर योर अपार्ट समहाउ। वो होना है, लाजमी नहीं है कि शादीशुदा है तो मियाँ बीवी का डर है, नहीं, उसके लिए तरीका ये है कि दिस इज, ये आगाही का इल्म है, ये सिर्फ जो है गाइड करता है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बताता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटीज क्रिएट होती हैं इससे, न्यूमरोलॉजी से, और इसी के अंदर ये होता है कि यू बी केयरफुल इन योर एक्शंस देन, कि हाँ ठीक है यार ये टूटेगा टाइम है तो थोड़ा सा हेड नीचे रख, जबान को लगाम दें और कानों को कर दें बंद, तो फिर इंशाल्लाह यू विल वॉक थ्रू इट। जस्ट टू मंथ्स लेफ्ट मोर, अब क्या नवंबर दिसंबर, अब एक ही महीना रह गया, दिसंबर का लास्ट मंथ है ये, तो ये चीज़ है। नंबर आठ, जैसे कि लोग देख रहे हैं नंबर आठ की बहुत सारी टेस्टमोनीज तो नहीं कह सकते, यानी कि रियलिटी स्टेटमेंट्स अबाउट नंबर एट, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट्स ऑफ नंबर एट, मैंने जो कहा था वही हो रहा है, यस नंबर एट का ये। और अब मैं जो आगे कह रहा हूँ कि जो इनका टाइम आ रहा है, जो नंबर आठ का टाइम आ रहा है, इसके अंदर जो है आने जाने का टाइम है, आने जाने का टाइम से मतलब शदीद लालच से अल्लाह ना करे, दूसरी चीज़ ये कि हादसे से अल्लाह ना करे, तीसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं उसे, हाँ मैं एक और बात बता दूँ कि तीन नंबर की अगर गाड़ियाँ हैं या तीन नंबर का कोई खुद है तो वो मेकओवर के लिए जाएगा आदमी, वरना ये कि गाड़ी गैरेज में ज़रूर जाएगी, ये मैं बता दूँ अभी से। खैर आठ नंबर की बात हो रही थी तो झलक कुछ और हुई है। आठ नंबर का ये कि हेड डाउन, सदके का मैं उसमें बता रहा हूँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें, टाइम अच्छा नहीं आ रहा, द टाइम दैट इज़ कमिंग इज़ इवन बैड देन वॉट इट इज़ एट द मोमेंट, क्योंकि आपका साल आ रहा है, आपका तो पहले ही 10 साल से प्रॉब्लम्स में आया, थोड़ा बहुत पॉकेट आता है ऑफ गुडनेस, बाकी ये कि फिर दोबारा वही अगलीनेस स्टार्ट हो जाती है। सो जस्ट बेयर इन माइंड, बी केयरफुल, हेड डाउन, खामोशी से, और कोशिश करें कि सुबह सुबह उठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें कि अल्लाह ताला खैर रखे, क्योंकि हेल्थ के बहुत सीरियस इश्यूज आने वाले हैं और हादसे का भी डर है, आने जाने वाला टाइम है, हमारे अब्बा के वर्ड्स हैं।